खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में सीएम की लड़ाई के बीच डिप्टी सीएम बना भतीजा, क्या अपने चाचा पर भारी पड़ेगा या फिर चाचा भतीजे को चकमा देने में कामयाब होगा, इसी पर लड़ाई का अंत आधारित है। वैसे बहुमत का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। महाराष्ट्र के महाभारत की ये सबसे नाटकीय तस्वीर थी जिसे कल शाम पूरे देश ने देखा। तीन होटलों के भीतर छिपाए गए तीन पार्टियों के विधायकों को मुंबई के होटल हयात में एक साथ जुटाकर उनकी परेड कराई गई ताकि बीजेपी की फडणवीस सरकार के खिलाफ अपना बहुमत दिखाया जाए। ये और बात है कि बहुमत तो विधानसभा में साबित होना है और इसी बिना पर बीजेपी बड़ा दावा कर रही है। फोटोग्राफर आपका, फोटो आपका, लेकिन इस चुनाव की रेस का फोटो फिनिश भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी ही करेंगे और विधानसभा के फ्लोर पर विश्वास दर्शक ठराव जीतेंगे। शरद पवार खेमे का दावा है कि उनके पास 162 विधायकों का समर्थन है, जबकि बीजेपी कह रही है कि होटल हयात में कराई गई परेड में 137 विधायक ही मौजूद थे। एनसीपी के दावे पर बीजेपी का सवाल अपनी जगह, लेकिन इस बार एनसीपी खेमा कोई गलती नहीं करना चाहता है। शायद इसीलिए कल शाम परेड कराने से पहले दोपहर में ही एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र के राजभवन भी पहुंचे और इस बार अपनी ओर से विधायकों के समर्थन वाली फाइनल चिट्ठी सौंपी। उस चिट्ठी में भी 162 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है, जिसमें एनसीपी अपने विधायकों की संख्या 51 बता रही है। हमारे साथ 162 एमएलए है, जिसमें हमारे 51 विधायक राष्ट्रवादी के हैं। हमारे जो तीन विधायक है उसमें से दो विधायक आज उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके सिग्नेचर्स नहीं है, और एक विधायक रहे अजीत पवार जी, उनको हमने उनकी सिग्नेचर मांगी नहीं। एनसीपी की सोच ये है कि अगर बहुमत परीक्षण में फडणवीस सरकार गिरती है तो राज्य में फिर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ऐसी सूरत में अगर राज्यपाल के पास उनके दावे की चिट्ठी पहले से मौजूद होगी तो उन्हें सरकार बनाने का न्योता मिल जाएगा, लेकिन उसकी नौबत ना आए उसके लिए बीजेपी भी ऑपरेशन लोटस चला रही है। उनके पास तो बहुमत नहीं है, ये तो सिद्ध होता है। ऑपरेशन लोटस किस लिए? बहुमत तैयार करने के लिए है ना। ये लोकशाही को तो अभिप्रेत नहीं है, उन्होंने वो नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। विधायकों की तोड़फोड़ की कोशिश जारी है, लेकिन विपक्ष में बने नए नए गठबंधन के नेताओं को भी अपनी एकजुटता का पूरा भरोसा है। यानी फिलहाल तो सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन तोड़ने की ताकत या फिर एकजुटता के भरोसे की असल परीक्षा तो फ्लोर टेस्ट के दौरान ही होगी। महाराष्ट्र में कुर्सी की लड़ाई लगातार जारी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला भी आने वाला है, जिस पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो कल शाम मुंबई से सामने आई। मुंबई के हयात होटल में कल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस विधायकों की परेड कराकर बीजेपी विरोधियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। आप भी देखिए कि इस दौरान क्या क्या खास तस्वीरें सामने आई। आपला मतदार संघाचं नाव घ्या, या पक्षाचा एक घ्या। महाराष्ट्र की सत्ता की दुल्हन को लेने के लिए हयात होटल में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के विधायकों की बारात पहुंची। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि महाराष्ट्र की सत्ता मिलेगी किसे। जमाना टीवी का है, इसलिए यह पूरा इंतजाम किया गया था कि तस्वीर भव्य हो। इसीलिए मुंबई के हयात होटल को चुना गया और उसके मंच पर हम 162 नाम के बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए। उससे ठीक पहले कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का यह शक्ति प्रदर्शन राजनीति की भाषा में तो मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन वो वोटर क्या सोच रहे होंगे
जिन्होंने विचारधारा के आधार पर इन पार्टियों को वोट दिया था। स्वर्गीय वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी के परिवार का एक व्यक्ति आदित्य ठाकरे जी, ये विधायक इस नाते सोनिया गांधी जी के नेतृत्व को लेकर शपथ ले रही थी। शिवसेना का हिंदुत्व ये कितना दोगला है, ये आज पूरे देश ने देखा। क्या वो वोटर आज विश्वासघात महसूस नहीं कर रहे होंगे? ऐसी तस्वीरें आपने आखिरी बार कब देखी थी? एक तरफ उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले। ऐसा आपने आखिरी बार कब देखा था जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक साथ आसपास बैठे थे? और ऐसी तस्वीरें आपने कब देखी थी जब आदित्य ठाकरे और रोहन पवार एक दूसरे का हाथ थामे विक्ट्री साइन दिखा रहे थे? कभी शिवसेना को पानी पी पी कर कोसने वाले समाजवादी पार्टी के अबू आजमी उसी पंक्ति में बैठे थे जिसमें उद्धव ठाकरे थे। ये वो पहली पंक्ति थी जिसमें इन तीनों पार्टियों के बड़े नेता मौजूद थे। सबसे कोने में अशोक चौहान, फिर उद्धव ठाकरे, उनके बगल में शरद पवार, उनके पास मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पास बैठे थे बाला साहब थोरा। मल्लिकार्जुन खड़गे का तो बाकायदा शिवसेना के संजय राउत ने फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मान किया। और इसके बाद दिखे छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल। छगन भुजबल का इस शक्ति प्रदर्शन में दिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बागी अजीत पवार को मनाने की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई थी, लेकिन छगन भुजबल इस शक्ति प्रदर्शन में बिना अजीत पवार के ही पहुंचे। इसके बाद एक एक करके पार्टी के बड़े नेताओं का भाषण हुआ। उद्धव ठाकरे भी बोले जिनको नए नए कई राजनीतिक दोस्त मिल गए हैं। इस शक्ति प्रदर्शन को देखकर वो भी खुश थे, इसलिए बोले कि सत्यमेव जयते को सत्तामेव जयते बनाते। बीजेपी पर भी निशाना साधा, अपने गिले शिकवे भी इन विधायकों को सुनाए और ये भी कहा कि हमें सत्ता का लालच नहीं है। उद्धव ठाकरे को तो पूरी उम्मीद है कि सरकार उनके इस नए गठबंधन की बनेगी।